आज के इस वीडियो में जानेंगे बैरल रेसिडेंस टाइम के बारे में, वह टाइम जो प्लास्टिक मटेरियल हॉपर से बैरल में आने से लेकर नोजल से बाहर जाने तक बैरल रेसिडेंस टाइम कहलाता है। इसे सेकंड या मिनट में एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं। अत्यधिक बैरल रेसिडेंस टाइम से मटेरियल कमजोर हो जाता है तथा डिग्रेड हो सकता है या अपनी प्रॉपर्टी को खो भी सकता है। इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ मटेरियल इंटू साइकिल टाइम डिवाइडेड बाई शॉर्ट वेट। दोस्तों आइए समझते हैं टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डेफिनेशन के बाद। देखिए बैरल रेसिडेंस टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में मटेरियल हॉपर से एंट्री लेता है और बैरल में कुछ वक्त तक रहता है, उसके बाद बैरल के नोजल से होता हुआ मोल्ड में इंजेक्ट हो जाता है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। उस दौरान जितना वक्त मटेरियल बैरल के अंदर बिताता है वही कहलाता है बैरल रेसिडेंस टाइम। अत्यधिक बैरल रेसिडेंस टाइम से मटेरियल कमजोर हो जाता है और डिग्रेड हो सकता है या अपनी प्रॉपर्टी को खो सकता है। तो दोस्तों यही होता है बैरल रेसिडेंस टाइम और इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ मटेरियल इनटू साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय शॉर्ट वेट। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को बैरल रेसिडेंस टाइम समझ में आया होगा। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टाइम रखते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि मटेरियल ज़्यादा देर बैरल के अंदर ना ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा देर रहेगा तो वो डिग्रेड हो सकता है। तो आपको पार्ट का भी ध्यान रखना है, पार्ट बड़ा है छोटा है। अगर बहुत छोटा पार्ट है तो ज़्यादा देर तक मटेरियल को बैरल में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।